हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जानकारी इन हिंदी में। दोस्तों, ईका ने भारत में लॉन्च की 200 किलोवाट मोटर वाली ईका E9 इलेक्ट्रिक बस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं इस बस के फीचर्स। दोस्तों, कंपनी ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि ईका E9 में 200 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है। यह अधिक एक्सेलरेशन, अधिक हॉर्स पावर और ज्यादा ट्रैक्शन पावर देती है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ईका ने अपनी पहली ई बस E9 से पर्दा उठाया। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक बस को महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और उनके साथ सुधीर मेहता, जो ईका और पिनेकल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, उन्होंने पुणे में अल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव में पेश किया। ईका कंपनी पिनेकल इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। दोस्तों, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया था। इसमें मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर भी शामिल रहा। दोस्तों, एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी ने बस के फीचर्स के बारे में जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि ईका E9 में 200 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है। यह अधिक तेज एक्सेलरेशन, अधिक हॉर्स पावर और ज्यादा ट्रैक्शन पावर देती है। इसके अलावा किसी भी तरह के रास्ते पर चलने के लिए 17% ग्रेडिबिलिटी देती है। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोस्तों, सुधीर मेहता जी ने कहा, कमर्शियल व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन, खासकर बस सेक्टर का, भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति की कुंजी है। ईका बसों को बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस और कस्टमर्स के लिए बेस्ट रिटर्न देने के हिसाब से डिजाइन और ऑप्टिमाइज किया गया है। दोस्तों, ईका कंपनी ने कहा है कि वह नई ईका E9 के साथ क्लीन, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं, ताकि जो मार्केट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट होना चाहती है, उनकी डिमांड को पूरी किया जा सके। दोस्तों, यह पहली इलेक्ट्रिक बस में जिसमें स्ट्रीमलाइन व्हीकल डिजाइन दिया गया है। बस में अधिकतम पावर और रेंज है। वर्तमान में मौजूद इंटरनल कम्बशन इंजन वाली बसों की तुलना में इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप काफी कम है। यह अपने कस्टमर्स के लिए सबसे अधिक टिकाऊ और प्रॉफिट देने वाले व्हीकल्स में से एक साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको इसमें पूरी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेड घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।